बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ग़ज़वे ज़ातुस्सुलासिल के लिए भेजा तो फरमाते हैं कि मैं आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, मैंने अर्ज़ किया, अय्युन्नास अहब्बु इलैक, या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा महब्बत किस से है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, तो आयशा से। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मिनर रिजाल, या रसूलल्लाह मर्दों में से? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबूहा, उनके अब्बा। फिर मैंने कहा, सुम्मा मन, या रसूलल्लाह फिर आपको किससे मोहब्बत है? फरमाया, सुम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब, फअद्दा रिजालन, के फिर उमर बिन खत्ताब से इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने कई और लोगों के भी नाम लिए। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु रूए ज़मीन पर अम्बिया किराम के बाद सबसे अफजल इंसान है। इसी बात की तरफ इमामुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम में इशारा फरमाया। चुनाचे हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अमशी बैन यदी अबी बकरिन, कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं सैयदना अबू बकर के आगे आगे चल रहा था, तो मुझे इशारा फरमाया, लिमा तमशी अमाम मन हुआ खैर मिनका, तुम उसके आगे क्यों चल रहे हो जो तुमसे बेहतर है? और फिर फरमाया, इन्ना अबा बकरिन खैर मन तलात अलैहि शम्स व गरबत, कि जितने लोगों पर सूरज तुलू होता है इन तमाम में अबू बकर सबसे अफजल हैं। और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये भी इम्तियाज़ हासिल है कि इमामुल अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना खलील बनाने की आरज़ू की। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला इन्नी अबरऊ इला कुल्ली खलील मिन खुल्लतिही, कि आगा रहो मैं हर खलील यानी जिगरी दोस्त की दिली महब्बत से बरी हूँ, वलो कुंतु मुत्तखिदन खलीला लत्तखस्तु अबा बकरीन खलीला इन साहिबकुम खलीलुल्लाह, अगर मैं किसी को खलील यानी जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, बेशक तुम्हारा ये साथी अल्लाह का खलील यानी मुखलिस दोस्त है। ये इब्ने माजा की रिवायत थी। और सही बुखारी शरीफ में एक रिवायत आती है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपना कपड़ा यानी पाजामा या तहबंद वगैरह तकब्बुर और गुरूर की वजह से ज़मीन पर घसीटता हुआ चले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि मेरे कपड़े का एक हिस्सा लटक जाता है, लेकिन मैं पूरा ख्याल रखूँगा कि वो नीचे ना लटक सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तो ऐसा तकब्बुर के ख्याल से नहीं करते, यानी आप इस हुक्म में दाखिल नहीं हैं। और सही इब्न हब्बान की रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया गया, मैंने इससे खूब सैर होकर पिया, यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो जिल्द और गोश्त के दरमियान मेरी रगों में दौड़ रहा है, फिर इसमें से कुछ बच गया तो मैंने वो अबू बकर को दे दिया। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये तो इल्म है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया, हत्ता कि जब आप इस इल्म से सिराब हो गए और इसमें से जो बच गया वो इल्म आपने अबू बकर को दे दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने इस ख्वाब की सही ताबीर की। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैंने रात को ख्वाब में देखा कि बादल के टुकड़े से घी और शहद टपक रहा है, लोग इसको अपने लपों से पी रहे हैं यानी दोनों हाथों से भर भर कर पी रहे हैं, कोई ज़्यादा लेता है कोई कम, और मैंने देखा कि आसमान से ज़मीन तक एक रस्सी लटकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पकड़ कर ऊपर चढ़ गए, फिर आपके बाद एक शख्स ने इसको थामा वो भी चढ़ गया, फिर एक और शख्स ने थामा वो भी चढ़ गया, फिर एक और शख्स ने थामा तो वो टूट गई, फिर जुड़ गई और वो भी ऊपर चला गया। ये सुनकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बी अबी अंत व उम्मी,
अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मुझे इसकी ताबीर करने दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बिल्कुल करें। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि वो बादल का टुकड़ा तो इस्लाम है, और घी और शहद से क़ुरान की हलावत और नरमी मुराद है, और लोग जो ज़्यादा और कम लेते हैं वो भी बाज़ों को बहुत कुरान याद है और कुछ को कम, और वो जो रस्सी जो आसमान से ज़मीन तक लटकती है वो दीन हक है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फिर अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को इसी दीन पर अपने पास बुला लेगा। आपके बाद एक और शख्स जो आप अलैहिस्सलाम का खलीफा होगा इसको थामेगा, वो भी इसी तरह चढ़ जाएगा, फिर एक और शख्स थामेगा और उसका भी यही हाल होगा, फिर एक और शख्स थामेगा, तो कुछ खलल पड़ेगा लेकिन वो खलल आखिर मिट जाएगा और वो भी चढ़ जाएगा। या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मुझसे बयान फरमाइए कि क्या मैंने ठीक ताबीर की। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने कुछ ठीक कहा कुछ गलत कहा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ की, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, आप बयान कीजिए कि मैंने क्या गलती की। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुकसिम, अबू बकर कसम मत खाओ। ये भी सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, और एक मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स एक बैल पर बोझ लादे हुए उसे हाँक रहा था, तो इल्तफतत इलैहिल बकरा फ़कालत, तो बैल उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, इन्नी लम उखलक लिहाजा, कि मुझे इसके लिए तो पैदा नहीं किया गया बल्कि मुझे तो खेत के लिए पैदा किया गया है, लिल हर्स। तो लोगों ने ताज्जुब और डर से कहा, सुभान अल्लाह, बैल बात करता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तो इस बात को सच जानता हूँ और अबू बकर और उमर भी सच जानते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक चरवाहा अपनी बकरियों में था, इतने में एक भेड़िया लपका और एक बकरी ले गया, चरवाहे ने उसका पीछा किया और बकरी को उससे छुड़ा लिया, तो भेड़िए ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस दिन बकरी को कौन बचाएगा जिस दिन सिवाय मेरे और कोई चरवाहा ना होगा। उसकी मुराद थी ईद के दिन, कि जिस दिन जाहिलियत वाले खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं और भेड़िए बकरियां ले जाते हैं। यह मुराद ये थी कि क़यामत के करीब आफतें और फितने होंगे, लोग मुसीबत के मारे अपने माल से बेफिक्र और गाफिल हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, फ़इन्नी उमिनु बिही व अबू बकर व उमर, मैं तो उसको सच जानता हूँ और अबू बकर और उमर भी सच जानते हैं। तो इसमें अजीब बात यह है कि ये दोनों हजरात यानी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उस वक्त उस मजलिस में मौजूद नहीं थे, और इनकी गैर मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हजरात पर एतमाद करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, हालांकि इस बात की सच्चाई में मुझे और मेरे सच्चे आशिक और मेरे सच्चे साथी यानी अबू बकर और उमर, उनको तो कोई शक नहीं हो रहा और वो उस पर ईमान ला रहे हैं। और बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को दुनिया में और जो कुछ अल्लाह के पास है यानी आखरत में, इन दोनों में से किसी एक का इख्तियार दिया, तो इस बंदे ने वो इख्तियार कर लिया जो अल्लाह के पास है। तो रिवायत में है कि इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। अबू सईद कहते हैं कि हमको उनके रोने पर हैरत हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी बंदे के मुतालिक ख़बर दे रहे हैं जिसे इख्तियार दिया गया। फिर रावी कहते हैं कि लेकिन बात यह थी कि ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ही वो बंदे थे जिन्हें इख्तियार दिया गया था, और वाक़ियातन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हम में सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरबा फरमाया कि अपनी सोहबत और माल के ज़रिए मुझ पर अबू बकर का सबसे ज़्यादा एहसान है, और अगर मैं अपने रब के सिवा किसी को जिगरी दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम का भाईचारा और इस्लाम की महब्बत इनसे काफ़ी है। और फरमाया, देखो मस्जिद के तमाम दरवाज़े जो हज़रात सहाबे किराम के घरों की तरफ खुलते हैं सब बंद कर दिए जाएँ, सिर्फ़ अबू बकर का दरवाज़ा खुला रहने दो।
और बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू अमर बिन औफ में यानी कबा में सुलह करवाने के लिए गए तो नमाज का वक्त हो गया। मुअज़्ज़िन यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से आकर कहा कि क्या आप नमाज़ पढ़ाएँगे, मैं तकबीर कहता हूँ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया हाँ ठीक है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ शुरू कर दी, इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो लोग नमाज में थे, आप अलैहिस्सलाम सफ़ों से गुजर कर पहली सफ में पहुँच गए तो लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा ताकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आगाह हो जाएँ। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज में किसी तरह मुतवज्जे नहीं होते थे तो वो उन्होंने ध्यान ना दिया। लेकिन जब लोगों ने मुसलसल अपने हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मुतवज्जे हुए और आप अलैहिस्सलाम को देखा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इशारा से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा कि नमाज़ पढ़ाई जाओ। लेकिन उन्होंने अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत का एजाज़ बख्शा, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गए और सब में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा बकर मा मनअका अन तसबुत इज़ अमरतुक, ए अबू बकर जब मैंने आपको हुक्म दिया था फिर आप साबित कदम क्यों ना रहे। तो अबू बकर बोले मा कान लिबनि अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अबू कुहाफा के बेटे यानी अबू बकर की ये हैसियत ना थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज पढ़ा सकें। तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों की तरफ़ देखकर इरशाद फरमाया माली रअयतुकुम अक्सर तुमुत तस्फीक, की अजीब बात है मैंने देखा तुम लोग बकसरत तालियां बजा रहे हो। याद रखो अगर नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो सुबहानअल्लाह कहना चाहिए, जब वो ये कहेगा तो इसकी तरफ तवज्जो की जाएगी और ये ताली बजाना औरतों के लिए है। और सही बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, सैयदना अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कपड़े का किनारा पकड़े हुए तशरीफ़ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हालत देकर फरमाया अम्मा साहिबुकुम फ़कद गामर, मालूम होते हैं कि तुम्हारे ये दोस्त किसी से लड़ कर आ रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलाम किया और आज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे और उमर बिन ख़त्ताब के दरमियान कुछ तकरार हो गई है और इस सिलसिले में मैंने जल्दी में उनको कोई सख्त लफ्ज़ कह दिए, लेकिन बाद में मुझे बड़ी सख्त निदामत हुई तो मैंने इनसे माफ़ी चाही, अब वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर, ए अबू बकर अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। तीन मरबा आपने जुमला इरशाद फरमाया। उधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी निदामत हुई और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे, पूछा क्या अबू बकर घर पर हैं, मालूम हुआ कि वो तो नहीं है, तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और सलाम किया। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक गुस्से से बदल गया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु डर गए और घुटनों के बल बैठकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वल्लाही अना कुंतु अज़लम, या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम ज़्यादती मेरे ही तरफ से थी। दो मरबा यह जुमला इरशाद फरमाया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा बअसनी इलैकुम फ़कुलतुम कज़बता वक़ाल अबू बकर सदका वबअसानी बिनफ्सिही वमाली फ़हल अंतुम तारिकूली साहिबी, कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा था, तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन अबू बकर ने कहा था कि आप सच्चे हैं और अपनी जान और माल के ज़रिए इन्होंने मेरी मदद की थी, तो क्या तुम लोग मेरे दोस्त को सताना छोड़ते हो या नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने दो मरबा ये बात इरशाद फरमाई। रावी कहते हैं कि इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने कभी नहीं सताया। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ चला तो आप अंसार के एक बाग में दाखिल हुए और अपनी हाजत पूरी की, फिर आपने मुझसे फरमाया ए अबू मूसा तुम दरवाज़ा पर रहो
कोई बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल ना होने पाए। फिर एक शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने कहा कौन है, इन्होंने कहा अबू बकर हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये अबू बकर इजाज़त मांग रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें आने दो और इन्हें जन्नत की बशारत दे दो। चुनाचे वो अंदर आए और मैंने उन्हें जन्नत की बशारत दी। और बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ का एक जोड़ा खर्च किया, मसलन दो कपड़े, दो रुपये, दो घोड़े, तो इसे जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा कि ए अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाज़ा बेहतर है। और जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। जो शख्स मुजाहिद होगा इसे जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। जो शख्स अहले सदका में से होगा उसे सदका के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। और जो शख्स रोज़ादार होगा इसे सयाम और रयान के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, जिस शख्स को इन तमाम ही दरवाज़ों से बुलाया जाएगा फिर तो इसे किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। पूछा, कोई शख्स ऐसा भी होगा जिसे इन तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। अर्जु अन तकून मिनहुम या अबा बकर, हाँ मुझे उम्मीद है कि तुम भी इन्हीं में से होगे ए अबू बकर। हर सहाबी जन्नती है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तमाम सहाबे किराम के लिए अपनी रज़ा और खुशनुदी का ऐलान किया है। लेकिन बाद ऐसे भी खुश नसीब हैं जिन्हें नबूवत ने अपनी ज़ुबान मुबारक से नाम लेकर जन्नती होने की बिशारत दी, जैसे अशरफ बशरा सहाबे किराम हैं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु उन खुश नसीब अफराद में से हैं जिनको ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम ने जन्नती होने की बशारत दी बल्कि उनके साथ जन्नत में अपना रफ़ीक होने की भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं। चुनाचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु, के आप अलैहिस्सलाम ने एक मरबा अपने हाथों को अल्लाह के दरबार में उठाया और अर्ज़ करने लगे, अल्लाहुम्मा जाल अबा बकरी मा यफ़ी दराजती योम अल-क़ियामा फ़ाउहा इलेही अन्नी क़द इस्तजबतु लक, के ए अल्लाह अबू बकर को क़्यामत के दिन मेरे साथ दर्जा अता फरमा। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई कि हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। वैसे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बेशुमार खूबियों और सिफात के मालिक थे, इनके तज़किरे के लिए एक मुफस्सल किताब की ज़रूरत। अलबत्ता चंद एक सिफात का तज़किरा किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीन यगुज़ून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बिलाशुबा वो लोग जो अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वल्लाह वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने आप पर क़ुरान नाजिल किया, मैं मरते दम तक आपसे ऊँची आवाज़ में गुफ्तगू नहीं करूँगा बल्कि सिर्फ़ सरगोशी के अंदाज़ में गुफ्तगू करूँगा। मशहूर किस्सा है, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अन नतसद्दक़, कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म दिया। इस मौका पर मेरे पास माल भी था, चुनाचे मैंने दिल में सोचा अगर मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से सदक़त लेना चाहता हूँ तो आज ले सकता हूँ, लिहाजा मैं आधा माल ले आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? मैंने कहा इसी कदर जिस कदर ले आया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना सारा माल ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुमने अपने घर वालों के लिए क्या बाकी छोड़ा? इन्होंने अर्ज़ किया अब कई तो लहम अल्लाह व रसूला, कि मैंने उनके लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है, तब मुझे कहना पड़ा मैं किसी चीज़ में कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। और ज़ोहद और वरा इस दर्जे का था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक ग़ुलाम था जो रोज़ाना उन्हें कुछ कमाई दिया करता था। हज़रत अबू बकर उसे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लिया करते। एक दिन वो ग़ुलाम कोई चीज़ लाया और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उसमें से कुछ खा लिया। फिर ग़ुलाम ने कहा आपको मालूम है ये कैसी कमाई है?
तो आपने दरिया फरमाया कि कैसी है। कहने लगा, मैंने ज़माने जाहिलियत में एक शख्स के लिए कहानत की थी, हालांकि मुझे कहानत नहीं आती थी। मैंने इसे सिर्फ धोखा दिया था, लेकिन इत्तेफाक से वो मुझे मिल गया और उसने उसकी उजरत मुझको ये चीज़ दी थी। आप खा भी चुके थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुनते ही अपना हाथ मुंह में डाला और पेट की तमाम चीज़ें कह करके निकाल दी। और सही मुस्लिम का एक मशहूर वाक़या है कि सैयदना हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे मिले और पूछा कि ए हंजला, तू कैसा है? तो मैंने कहा कि हंजला तो मुनाफिक हो गया। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सुभानअल्लाह, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, आप अलैहिस्सलाम हमें दोज़ख़ और जन्नत याद दिलाते हैं, तो गोया कि वो दोनों हमारी आँखों के सामने हैं। फिर जब हम आप अलैहिस्सलाम के पास से निकल आते हैं तो बीवी बच्चों और कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं, बहुत सी बातें भूल जाते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, हमारा भी यही हाल है। फिर मैं और सैयदना अबू बकर दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, हंजला तो मुनाफिक हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा क्या मतलब? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जब हम आपके पास होते हैं आप हमें दोज़ख़ और जन्नत याद दिलाते हैं, तो गोया वो दोनों हमारी आँखों के सामने हैं। फिर जब हम आपके पास से चले जाते हैं तो बीवी बच्चों और कामों में मशगूल हो जाते हैं, तो बहुत सी बातें भूल जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम हमेशा इसी हाल पर कायम रहो जिस तरह मेरे पास रहते हो और याद इलाही में रहो, तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों पर मुसाफा करें और तुम्हारी राहों में। लेकिन ए हंजला, एक साथ दुनिया का कारोबार और एक साथ रब की याद, तीन मरतबा ये बात इरशाद फरमाई। ये निफाक के खौफ का पैदा होना ये भी ईमान के कमाल की अलामत है, इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में कभी ये खौफ पैदा ना हुआ कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाते हैं, अबू बकर सैयदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर हमारे सरदार हैं, हम में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं, हम सब में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब हैं। और एक मरतबा इरशाद फरमाया, लो वुज़िना ईमान अबी बकरिन बी ईमान अहलिल अर्द लरजहा बिही, अगर अबू बकर का ईमान और ज़मीन वालों के ईमान को बाहम तोला जाए तो अबू बकर का ईमान भारी होगा। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शहादत के बाद उनकी चारपाई पर रखा गया तो तमाम लोगों ने नाश मुबारक को घेर लिया और उनके लिए अल्लाह से दुआ और मगफरत तलब करने लगे। नाश अभी उठाई नहीं गई थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। इसी हालत में अचानक एक साहिब ने मेरा कंधा पकड़ लिया, मैंने देखा तो वो अली करमल्लाहु वजहहु थे। फिर उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआए रहमत की और उनकी नाश को मुखातब करके कहा, आपने अपने बाद किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा कि जिसे देखकर मुझे ये तमन्ना होती कि इसके अमल जैसा अमल करते हुए मैं अल्लाह से जा मिलूं। और अल्लाह की कसम, मुझे तो पहले से यकीन था कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ ही रखेगा। मेरा ये यकीन इस वजह से था कि मैंने अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज सुने थे कि मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर बाहर आए। और बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, मुहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बा यानी सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सा आदमी सबसे अफजल और बेहतर है? तो उन्होंने फरमाया, अबू बकर। मैंने कहा, उनके बाद कौन है? तो उन्होंने फरमाया, उमर। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में इस बात को मज़ीद वजाहत से बयान करते हुए फरमाया है कि चुनाचे अलकमा रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर हाथ मारते हुए फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने
इस मिंबर पर हमें खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्लाह का जिक्र किया जैसे अल्लाह चाहता है कि उसका जिक्र किया जाए। फिर फरमाया, मुझे ये बात पहुँची है कि लोग मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दे रहे हैं, लिहाजा जो शख्स भी ऐसा कुछ कहे वो झूठ घड़ रहा है और उसका वबाल उसी पर है। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे बेहतर अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हैं। इससे ये बात वाज़ह होती है कि सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तमाम सहाबे किराम से अफजल हैं। इस बात की ना सिर्फ और सहाबे किराम मोतरफ थे बल्कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू भी सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह को अफजलुल खलाइक बादल अंबिया तसव्वुर करते थे। लिहाजा हजरत अली करमल्लाहु वजहहू के साथ महब्बत के दावेदारों को उनके इस फरमान पर गौर करना चाहिए। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, कुन्ना फ़ी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नादिल फ़ी अबी बकरिन अहदा, हम आप इस्लाम के ज़माने में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर किसी सहाबी को करार नहीं देते थे। बुखारी शरीफ की ये रिवायत है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि एक मरबा सैयदना अबू बकर और सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान कुछ तलख कलामी हो गई, तो सैयदना रबिया बिन काब की कौम के कुछ लोगों ने सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कुछ बातें कहीं और सैयदना रबिया से कहा कि हम खुद तेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। तो सैयदना रबिया को अपनी कौम की बातें नागवार गुजरी और उन्होंने इनसे कहा कि तुम जानते नहीं हो वो कौन है? अतद्रून मा हादा, हादा अबू बकरिन सिद्दीक, हादा सानियस नईन व हादा ज़ू शैबतिल मुस्लिमीन, इय्याकुम ला यल्तफितु फयराकुम तंसुरूनी अलैहि फयग़ज़ब फयाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयग़ज़ब लिग़ज़बिही फयग़ज़ब अल्लाह अज़्ज़ा वजल लिग़ज़बिहिमा फयुहलिक रबिया, जानते हो वो कौन है? वो अबू बकर हैं, वो सानियस नईन हैं, वो तो मुसलमानों में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं, लिहाजा मेरी कौम के लोगो तुम सब इस बात से बच जाओ कि वो तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो समझेंगे तुम मेरी मदद कर रहे हो, वो गुस्से में आ जाएंगे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और आप अलैहिस्सलाम को तमाम सूरत हाल से आगाह कर देंगे तो आप अलैहिस्सलाम भी इनके गुस्से होने की वजह से गज़बनाक हो जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के गुस्से होने की वजह से अल्लाह ताला भी गुस्से में आ जाएंगे तो फिर रबिया तबाह व बर्बाद हो जाएगा। इमाम अबू बकर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अबू अब्दुल्ला यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा उस शख्स के बारे में जो हज़रत अबू बकर और उमर और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम को गालियाँ देता है, तो उन्होंने फरमाया मा उराहु अलल इस्लाम, मैं उसे इस्लाम पर यानी मुसलमान नहीं समझता। और ख़ुद इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन अलबाकर रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस शख्स को अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़ज़ाइल मालूम नहीं वो शख्स सुन्नत से जाहिल है। और इमाम जाफ़र बिन सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स से बरी है जो शख्स अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बरी है। और मज़ीद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह तो ये दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु अबा बकरिन व उमर, ए अल्लाह मैं अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत करता हूँ, मैं इन्हें अपना वली मानता हूँ, ए अल्लाह अगर मुझ में यानी मेरे दिल में इसके खिलाफ कोई और बात हो तो क़्यामत के दिन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब ना हो। और अबू इसहाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बुग्ज करना गुनाह कबीरा यानी कुफर है। एक बड़े मशहूर अहल हदीस आलिम शेख सिबतैन शाह नकवी हफिज़हुल्लाह वो बयान करते हैं कि हमारे घर में मेरा हकीकी मामू जब फोत हुआ तो इससे इस तरह की आवाज़ें निकल रही थी जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो, चेहरे का रंग बदल गया, क्यों? इसलिए कि इसका वतीरा था, जब घर में कोई कुत्ता दाखिल होता तो कहता माज़ अल्लाह अबू बकर आ गया, उमर आ गया, इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता था, इसलिए जब वो मरा तो इससे कुत्ते की आवाज़ें आती थी। और शवाहिदुन्नबुवा की एक रिवायत है इमाम मुस्तगफ़िरी रहमतुल्लाह एक बुज़ुर्ग का
इरशाद बयान करते हैं कि मैंने मुल्क शाम में एक इमाम के पीछे नमाज अदा की, जिसने नमाज के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में बेअदबी करते हुए बददुआ की। दूसरे साल जब मैं इसी मस्जिद में नमाज के लिए आया तो इमाम ने नमाज के बाद सैयदना अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में दुआ फरमाई, तो मैंने नमाजियों से पूछा कि तुम्हारा पुराना इमाम कहाँ है। वो लोग अपने हमरा मुझे एक मकान में ले गए जहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो चुकी थी और उसकी दोनों आँखों से आंसू जारी थे। लोगों ने कहा, ये है वो इमाम। मैंने उससे कहा, तुम ही हो वो इमाम जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में बददुआ करते थे। तो इसने सर हिलाकर जवाब दिया कि हाँ, मैं ही था। अल्लाह ताला इस वक्त के अजीम फितनों में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें हज़रात सहाबे किराम के मद्दाहीन में शामिल फरमाए और क़यामत के दिन हमें इन हज़रात के जूतों में जगह अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।